वी गो इन टू दिस माइंड कि हम लोग ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, सो वी डोंट इवन फील इट बिकॉज व्हेन वी आर ड्राइविंग. अब जैसे अगर आप जिम में हो या कुछ कर रहे हो, सो आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है कि एक पॉइंट के बाद आप रोक सकते हो. आप यू माइट पुश योर सेल्फ बट देन यू स्टॉप. रेस कार में व्हेन वी आर ड्राइविंग एंड वी आर इन अ रेस, वी कांट स्टॉप, वी कीप गोइंग. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. 3-4 kgs ईजी टू लूज. होता क्या है कि वैन वी गेट इन द कार एंड वी स्टार्ट ड्राइविंग, वी स्टार्ट स्वेटिंग अलॉट. एंड आप सोचो कि वी गो इन टू दिस माइंड कि हम लोग ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, सो वी डोंट इवन फील इट बिकॉज वैन वी आर ड्राइविंग. अब जैसे अगर आप जिम में हो या कुछ कर रहे हो, सो आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है कि एक पॉइंट के बाद आप रोक सकते हो. आप यू माइट पुश योर सेल्फ बट देन यू स्टॉप. रेस कार में व्हेन वी आर ड्राइविंग एंड वी आर इन अ रेस, वी कांट स्टॉप, वी कीप गोइंग. Unless, of course, there was some actual problem that you feel, that's different. But you get into a zone where you're feeling fine, aur aap function pura kar rahe ho, and you are in the zone, aap race kar rahe ho, aapko pata bhi nahi chal raha hai. But after race, you realize ki aapne 2-3 kgs lose kar diye. So that is the water weight. Hota kya hai, we just keep sweating, and literally pura gilo ho jate hai, last mein pura suit, everything is wet. And we are weighed before and after the race for rules ki car aapki underweight na ho. So teams actually have to account for it. Hum team mein car mein thoda sa weight badha ke rakhte hain kyunki unko pata hai ki race ke end mein the driver will weigh less. So many times I have seen that 2-3 kgs have been lost just by driving. So it is 100% true.